प्रॉब्लम है जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सेब हाउ कैन वी सॉल्व थ्री बाई फाइव टाइम्स फोर बायस बाई टेन थ्री डिवाइड फोर डिवाइड बाई फाइव माइनस सेवन डिवाइडेड बाई टेन किस तरह से हम इनको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो वो बन जाएगा हमारे पास थ्री बाय फाइव एज इट इज पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं डिमैश रूल के तहत तो अब इनके डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमने मल्टीप्लाई करा लिया टू के साथ को भी और डिनोमिनेटर को भी बराबर हो जाए तो फिर हम निमरेटर को या एड कर लेते हैं तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के वक्त हम डिनिनेटर्स बराबर करते हैं तो ये भी टेन हो गया ये भी टेन हो गया टू फोर्स आर एट बाय टेन माइनस सेवन बाय टेन तो ये मेरे पास बन जाएगा थ्री बाय फाइव टाइम्स एट माइनस सेवन इज वन बाय टेन कुछ भी फैक्ट कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है तो लिहाजा हमारे पास जवाब आ जाएगा और इज इक्वल टू यानी ये किसके इक्वल है ये आ जाएगा जी थ्री बाय फाइव टाइम्स अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों टर्म्स के ऊपर या दोनों फ्रैक्शंस के ऊपर जो ब्रैकेट में है तो थ्री बाय फाइव पहले आएगा फोर बाय फाइव के साथ अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और फिर ये आ जाएगा सेवन बाय टेन के साथ सो थ्री बाय फाइव टाइम्स फोर बाय फाइव माइनस थ्री बाय फाइव टाइम्स सेवन बाय टेन सेवन बाय टेन तो लिहाजा ये चीज हमारे पास बन जाएगी थ्री फोर ट्वेल्व बिकॉज कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं हो सकता थ्री माइनस अब दो फ्रैक्शन की सब मतलब के डिनोमिनेटर्स बराबर बनाएंगे तो मल्टीप्लाई कर दें टू के साथ इसको भी और इसको भी टू के साथ बिकॉज जो हमारे पास फिफ्टी है ये मल्टीपल में आता है ट्वेंटी फाइव के तो आई कैन से टू टाइम्स ट्वेल्व इज ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाय फिफ्टी माइनस डिवाइडेड बाय फिफ्टी अब ट्वेंटी फोर में से ट्वेंटी वन निकालेंगे विल गेट थ्री बाय फिफ्टी तो दिस इज हाउ हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के तहत जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फ्रैक्शंस को भी हम सॉल्व कर सकते हैं लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट के जहाँ पे हमारा डायरेक्टली काम चलता हो हम इस तरह कराएंगे और जहाँ पे हमें डि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना हो वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू सॉल्व करते हैं